गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स पर राय लेना चाहेंगे? मैम मैंने कोटक बैंक के शेयर्स लिया है, 50 शेयर्स, प्राइस है इसका 1655 रुपए। ठीक है। और जेएसडब्ल्यू के शेयर्स लिया है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर्स लिया है मैंने, 100 शेयर्स लिया है, प्राइस है इसका 211। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है मैंने, इसकी राय दीजिएगा ना मेरे को। ठीक है, तो एक है कोटक महिंद्र बैंक जो आपने 1655 रुपए प्रति शेयर पर लिए है, और देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से रिसेंटली न्यूज फ्लो आया था और आरबीआई ने जो कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, नए क्रेडिट कार्ड और नए अकाउंट ओपनिंग पे रोक लगाई है, मुझे लग रहा है कि ये इश्यू सॉल्व होने में कम से कम एक साल का टाइम पीरियड लग सकता है। बट अगर बात करें तो कंपनी के ऑफलाइन ब्रांचेस भी काफी है, तो जैसे पेटीएम में इश्यू हुआ था ऐसा इश्यू कोटक बैंक के सामने आएगा ऐसे चांसेस काफी कम लग रहे हैं मुझे, ऐसे चांसेस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऑफलाइन नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है, आपने एक हायर लेवल पे एंट्री लिया है। मेरा मानना है कि आपको ये जो डीप आया है वो एक एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना चाहिए, और आपके पास अगर स्पेस हो, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर सके तो ये एक अच्छा मौका है। ये लेवल पे वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है, तो ऑल ओवर व्यू जो है कोटक महिंद्रा बैंक के पे मेरा बुलिश है। मेरा मानना है कि ये जो है वो टेम्पररी है और यहाँ से कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, और मार्केट में अगर वोलेटिलिटी यहाँ से आती है तो कोटक महिंद्रा बैंक डेफिनेटली आपको एक लो वोलेटिलिटी स्टॉक साबित हो सकता है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। व्यू बुलिश है, मिनिमम आपको 1.5 साल का टाइम पीरियड पकड़ के चलना पड़ेगा।